नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2024 पर आज लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच जो मैच हुआ उस मैच पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस मैच को 28 रन से जीत लिया, जो आप ऑन स्क्रीन पर देख सकते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स पहले बैटिंग करते हुए निर्धारित 20 ओवर पर 181 रन 5 विकेट खोकर बना लिया है, जहाँ पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की पारी बिल्कुल अच्छी नहीं गई और शुरुआत से विराट कोहली के आउट होने के साथ साथ ही रॉयल चैलेंजर्स की पारी भी लड़खड़ा गए और केवल 19.4 बॉल पर ही 153 रन बनाकर टोटली टीम ऑल आउट हो गए, जो आप उसके में पूरी तरह से देख सकते हैं। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर आज एमचेन्नई स्टेडियम पर पहले टॉस जीतकर बॉलिंग का सिद्धांत लिया था और सभी सिद्धांत सही तरीके से चल रहे थे, लेकिन सुपर जायंट की ओर से कुंचन डी कॉक ने बेहतरीन 81 रन की पारी खेली। उसके साथ निकोलस पोल ने अच्छी फिनिश किया, 40 रन बनाया। मार्कस टोनिस ने भी मिडिल ओवर पर 24 रन का एक कैमियो इनिंग्स खेला। अगर सुपर जायंट्स अगर बेंगलोर की बात की जाए तो बेंगलोर की ओर से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की ओर से ग्लेन मैक्सवेल 2 विकेट, वेज दयाल और टॉपले ने एक एक विकेट निकाला। अगर रॉयल चैलेंजर्स की बैटिंग की बात की जाए तो रॉयल चैलेंजर्स की ओर से लुमरो ने 33 रन, रजत पाटीदार ने 29 रन और विराट कोहली ने 22 रन बनाए। अगर लखनऊ सुपर जायंट्स की बॉलिंग की बात की जाए तो स्टार फास्ट बॉलर मयंक यादव आज भी 3 विकेट 14 रन देकर लिया है। उसके साथ नवीन हॉक ने 2 विकेट और मार्कस टोनिस ने 1 विकेट निकाला। तो ऐसे करते लखनऊ सुपर जायंट्स 28 रन से इस मैच को जीत लिया। धन्यवाद।